नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेत में सौर ऊर्जा लगाने के लिए यानी कि सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। अगर आपके पास में खेत है और खेत में आप सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य प्लेटें लगाना चाहते हो तो उसका जो हमें ऑनलाइन आवेदन करना है उसके बारे में ही आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा राज किसान। जैसे ही आप राज किसान वाला ये पोर्टल ओपन करते हो, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से पेज आने के बाद में यहाँ पे देखिए किसान अथवा नागरिक लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जन आधार कार्ड नंबर डालना पड़ता है। तो जो भी आपका जन आधार कार्ड नंबर है वो डालने के बाद नीचे आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जिस देश के नाम से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है उस देश को सेलेक्ट करना है। उस देश को सेलेक्ट करोगे तो उसके आधार कार्ड के अंदर जो नंबर लगा हुआ है उसके नंबर पे 6 अंकों की एक OTP आएगी। OTP लगा के आपको प्रोसीड या सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और नेक्स्ट बटन पे आ जाना है। देखिए, जैसे ही आप OTP लगा करके इसको सबमिट करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आ जाएगा। अगर आप पहली बार इसमें सबमिट कर रहे हो या फिर पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर आपको आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले आपको सारी डिटेल चेक करनी होगी, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर लगा करके आपको वेरीफाई करना होगा, यानी कि जो आधार कार्ड में नंबर लगा हुआ है वही नंबर लगा करके आपको वेरीफाई करना है। नंबर वेरीफाई करने के बाद में आपको आपकी बैंक डिटेल वेरीफाई करनी होगी, जैसे आपका बैंक का नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ सही है या फिर सही नहीं है। अगर उसमें सही नहीं दिखाता है तो उस कंडीशन में आपको आपके जन आधार कार्ड के अंदर आपका रिकॉर्ड सही करना होगा। जन आधार कार्ड में रिकॉर्ड सही होने के बाद में फिर से आप यहाँ पर आकर के अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी बैंक डिटेल सही होती है तो उस कंडीशन में आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड पेज आ जाएगा। देखिए, इस प्रकार का डैशबोर्ड पेज आने के बाद में यहाँ पर देखिए आवेदन के लिए क्लिक करने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक डैशबोर्ड पेज आ जाता है। देखिए, इस प्रकार का डैशबोर्ड पेज आने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है बागवानी सब्सिडी सेवाएं, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार से बहुत सी सेवाएं दिखा देता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है सोलर पंप सेट सब्सिडी वाला, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिखाए गए हैं आपको, यानी कि आप इसके अंदर जो जो मेन बातें हैं वो दिखाई गई है, कितनी जमीन होनी चाहिए, कौन कौन किसान इसमें एलिजिबल है, कब कब इसकी सब्सिडी मिलती है, सब कुछ डिटेल आपको अच्छे से चेक करना है। उसके बाद आपको चेक बुक्स पे क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप आ जाता है। आप लघु या सीमांत कृषक श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं तो जन आधार कार्ड में अपनी श्रेणी जुड़वा ले, यानी कि अगर आप लघु या सीमांत किसान के रूप में ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर आपके जन आधार कार्ड के अंदर भी यही कैटेगरी होनी चाहिए। जन आधार कार्ड एडिटिंग वाले ऑप्शन में आपको ये कैटेगरी सही करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ऊपरी ऊपर आपकी डिटेल दिखा देता है, आप आपकी डिटेल देख सकते हो, आपका मोबाइल नंबर, आपकी कैटेगरी, नाम, एड्रेस, सब कुछ दिखा देता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर सोलर पंप सेट वाला ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है कि इज योर सोलर पंप सेट लोकेशन एज पर अबव मेंशन एड्रेस, यानी कि ऊपर जो मेंशन किया गया है उस एड्रेस पे ही आपको आपका सोलर पंप लगवाना है, अन्यथा किसी दूसरे एड्रेस पे लगवाना है। तो इस कंडीशन में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र या थोड़ा शहरी क्षेत्र से निवास करते हो और आपकी जमीन कहीं दूर है, जैसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर दूर आपकी जमीन है तो उस कंडीशन में आपको नो करना है और आपकी भूमि का विवरण यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आप खेत में ढाणी बना करके रहते हैं तो उस कंडीशन में आप यस कर सकते हो, ताकि आपकी जो जमीन, जिस जमीन में आप रहते हो वही जमीन आपके जन आधार कार्ड के एड्रेस में लगी हुई है, तो यहाँ पे वो डिटेल ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका राज्य सेलेक्ट मिलेगा, आपका जिला यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपकी पंचायत समिति आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे आपसे पूछता है कि रूरल अर्बन, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ग्राम पंचायत, गांव, पिन कोड और एड्रेस आगे आपको डाल देना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, सोर्स ऑफ इंग्लिश, आपके पास में वाटर का सोर्स क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप देखिए डिग्गी है, फॉर्म पॉन्ड है या फिर जल होज है, ओपन वाल है, ट्यूबवेल है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है,
तो अगर आपके पास ट्यूबवेल भी लगा हुआ है तो आप यहाँ से आप ट्यूबवेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ट्यूबवेल यहाँ पे देखिए कितना मीटर पे ट्यूबवेल आपका लगा हुआ है, तो वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे 60 मीटर पे लगा हुआ है तो 60 मीटर सेलेक्ट कर सकते हो, अथवा 120 मीटर लगा हुआ है तो 120 मीटर भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। एज और इस वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना जो गहरा ट्यूबवेल लगा हुआ है उसका। ये बोलता है कि इस क्वालिटी ऑफ वाटर सुटेबल फॉर इरिगेशन, वाटर सुटेबल हमारे क्वालिटी जो वाटर सुटेबल है तो इस पे आपको यस ही करना है। इस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर इरिगेशन अवेलेबल, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या फिर नहीं है तो वो यहाँ से आपको यस या तो नो करना है। अगर आपके पास में यस है तो आप सौर ऊर्जा के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अवेलेबल फॉर डीजल पंप सेट जनरेटर सेट, यस आपके पास में डीजल पंप सेट यानी कि ट्रैक्टर हो गया, ट्यूबवेल इंजन हो गया तो ये हमारे पास में अवेलेबल ही होगा क्योंकि हमने ट्यूबवेल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। क्रॉप डिटेल, क्रॉप डिटेल के अंदर आपसे डिटेल पूछी जाएगी आप उसमें क्या क्या फसल बोते हो, जैसे एग्रीकल्चर की होगी या हॉर्टिकल्चर हो की होगी, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करते ही नीचे आपको क्रॉप टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्रॉप टाइप सेलेक्ट करते ही क्रॉप टाइप यानी कि रवि की फसल है या फिर खरीफ की फसल है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको फसल का नाम सेलेक्ट करना होगा, जो जो फसल आप बोते हो वो फसल का नाम यहाँ पे आपको नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसका दिन सेलेक्ट कैटेगरी फॉर फार्मर, तो यहाँ पे देखिए माइग्रेशन अथवा स्मॉल लघु अथवा सीमांत कृषक के लिए आपको जनता कार्ड में एडिट करवाना पड़ेगा। जनता कार्ड में हमारी कैटेगरी एडिट नहीं है तो हम यहाँ पे अदर कैटेगरी से ही ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे देखिए हमने जो ऊपर सेलेक्ट किया था उसकी डिटेल हमें नीचे देनी पड़ेगी। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हो बहुत सी डिटेल हमें यहाँ पे देनी पड़ रही है, जो आपकी डिटेल होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे अदर के अंदर भी कोई भी डिटेल देख सकते हो, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। अलग अलग जो कैटेगरियाँ हैं उनका यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मान लीजिए ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर आपको यस करते हो तो यस करते यहाँ पे देखिए यस करते ये देखिए अप्लाइड अंडर प्रोसेस है तो यहाँ पे ये ग्रीन यानी कि सेलेक्ट नहीं होगा आपसे। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आप इसमें नो कीजिए और अंडर प्रोसेस के अंदर अप्लाइड अथवा अंडर प्रोसेस कर दीजिए। उसके अंदर कितने हेक्टेयर एरिया में आपने बनाया है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए वाटर स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए वाटर स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। वाटर स्टोर अथवा स्ट्रक्चर है तो ये सब आपको नो करना है। अगर ये डिटेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ट्यूबवेल लिख देना है और ट्यूबवेल लिखने के बाद नीचे यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी करना है और यहाँ पे कुछ 1-2 हेक्टेयर जितने आपकी जमीन है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे देखिए नेम ऑफ फर्म यानी कि आपकी फर्म का क्या नाम है, आप किस फर्म से सोलर लेना चाहते हो, तो जिस भी फर्म से आप लेना चाहते हो उस फर्म का यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आप फर्म से लेना चाहते हो वो फर्म यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये फर्म आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, ये फर्म आपकी है जो चेंज भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्म आपकी बाद में चेंज भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो एक बार करना चाहो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड पंप सेट फॉर वाटर सोर्स, तो वाटर सोर्स पंप रिक्वायर्ड यस कर देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले आपको आपकी ई साइन वाली जमाबंदी यहाँ पर अपलोड करनी है जो कि एकदम साफ और क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे आपको वाटर सोर्स सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाई पटवारी सरपंच एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो वाटर सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आपके सामने जल स्रोत प्रमाण पत्र आप देख सकते हो आपके सामने है, इस प्रकार से होगा। इसमें लिखा हुआ प्रमाणित किया जाता है कि कृषक जो किसान है उसका नाम, उसके उसके पिता का नाम, निवास, तहसील के खसरा अथवा मुरबा नंबर में सिंचाई स्रोत जो भी है, ट्यूबवेल है, डिग्गी है, कुआ है, जल होज है, उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके उक्त जल स्रोत का उपयोग कृषक द्वारा सिंचाई में किया जाता है। यहाँ पर उसके नीचे देखिए हस्ताक्षर प्रमाणित करता, यहाँ पे आपको उसके साइन करवाने और मोहर लगवानी है। जो कृषि पर्यवेक्षक सरपंच पटवारी जो यहाँ पे साइन आपको करके दे रहा है प्रमाणित करता, उसके यहाँ पे सील और मोहर दोनों चीज लगवानी है, तो ये आपको अपलोड करना है वाटर सोर्स सर्टिफिकेट के अंदर। यहाँ पे देखिए वाटर सोर्स सर्टिफिकेट जो मिल रहा है आपको इसमें अपलोड करना है। इसका साइज है जो जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हो, 1 MB से 2 MB तक आप इसका साइज है जो ले सकते हो। सारी डिटेल सही से भरने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, सभी डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ये आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इसकी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी यानी कि आपका फॉर्म है जो सक्सेसफुल भरा गया। तो दोस्तों उम्मीद है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को आपके ने लाइक और कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।